स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एसटूटी में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे कंप्यूटर केसेस के बारे में, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट एंड व्हाई ऑफ द सिस्टम। तो आप ये समझिए, कोई भी मैन्युफैक्चर सामान बनाता है तो ठीक है वो बना लिया, लेकिन आपको बेचेगा कैसे? आपको तो वो सीधे कोई मदरबोर्ड तो हाथ में नहीं दे सकता, तो उसको पूरी तरह से इनक्लोज करने के लिए हम लोग केस का स्टैंडर्ड बनाएं कंप्यूटर केसेस का, जिसको आप लोग सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू के बारे में एक समझ चीज़ आपको समझना ज़रूरी होगा कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग होती है सिर्फ सीपीयू में होता है। आपका कोई भी चीज़ बाहर लगा हो, आपका कोई भी चीज़ अटैच हो, जनरली ऐसा किया जाता है कि कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेसिंग रिलेटेड चीज़ है, चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड हो, चाहे वो एक्सेलरेशन कार्ड हो, चाहे वो डिकोडिंग कार्ड हो, जो भी हो, वो कंप्यूटर के अंदर इसलिए लगाया जाता है कि प्रोसेसिंग जो है सिर्फ कंप्यूटर में हो। अगर मान लीजिए आपका कभी ये ख़राब हुआ तो आप सिर्फ इसको बदल के काम वापस कर सकते हो, क्योंकि आपका इनपुट और आउटपुट जैसे कि कीबोर्ड और डेस्कटॉप, कीबोर्ड और मॉनिटर चेंज ना हो, आपका इनपुट आउटपुट सेम रह जाए। तो इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट को पूरी तरह से एक ही चीज़ के अंदर रखा जाता है। और इसीलिए आप कई बार सुनते होंगे जो लोग कंप्यूटर केस को कहते हैं कि सीपीयू है, इसलिए कहा जाता है। और फिर ये समझिए कि ऐसा नहीं कि आप अगर खुले में कंप्यूटर रख देंगे कंप्यूटर बहुत गर्म होगा, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये है कि एक ही जगह पे शायद गर्म हो या एक ही जगह पे ठंडा हो, मतलब बैलेंस ना रहने के चलते हम लोग केस के अंदर रखने में। तो आप डिज़ाइन कर सकते हो कि एयर फ्लो कैसे होगा, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, फ्रंट से एयर आ रहा है, ऊपर से निकल रहा है और दाएं पीछे से निकल जा रहा है। तो इस तरह से आप जो भी केस डिज़ाइनर है या मैन्युफैक्चरर है वो डिज़ाइन कर लेगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पंखे लगाने हैं, वो आपको स्लॉट दे देगा। अगर आप कम मतलब ठंडे कम पावर के इक्विपमेंट लगाए हैं, आपको ज़्यादा फैन नहीं लगाना, आप ज़्यादा पावर के लगाए हैं तो लगाइए। तो ये सब को मैनेज करने के लिए केसेस की हमें ज़रूरत पड़ी। तो आप कोई भी सीपीयू लगाइए, एएमडी लगाइए या इंटेल लगाइए, एएमडी का ग्राफिक्स कार्ड लगाइए या एनवीडिया का लगाइए, आपको ये सब चीज़ को एक जगह पर रखना पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि केस बनाया गया है। तो केस इतना सक्सेसफुल किस लिए हुआ, ये समझने के लिए आपको ये देखना होगा ये सबका रिलेशन फॉर्म फैक्टर से क्या है। आप कोई भी चीज़ ध्यान देते होंगे कि हमेशा एक स्टैंडर्डाइज किया जाता है, जैसे हमारे घर में जो बिजली आती है वो 200 वोल्ट की होनी चाहिए, 210 से 220 के आसपास। हाँ, अप डाउन होता है लेकिन वो अच्छा नहीं है। मतलब आपको कोई भी सामान खरीदेंगे, कुछ भी हो, आप देखोगे कि उसका एक स्टैंडर्डाइज किया जाता है। जैसे कि यूएसबी प्लग है तो आप कोई भी यूएसबी प्लग कहीं पे भी लगा सकते हैं ना, इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। कंप्यूटर के साइज में भी स्टैंडर्डाइज किया गया। तो स्टैंडर्डाइज दो तरह के हुए कंप्यूटर में, एक होता है इंटरनल मतलब अंदरूनी जो चीज़ उसके अंदर लग रहा है जैसे कि मदरबोर्ड या ग्राफिक्स कार्ड, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। दूसरा और जो कि सर्वर में बहुत कॉमन हो गया कि बाहर से भी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया कि आप इस साइज से बड़े नहीं बना सकते, ताकि ये एक जगह पर फिट हो सके। तो सर्वर रैक तो आप देखते ही होंगे, खूब लंबा लंबे होते हैं, उसमें खूब सारे कंप्यूटर लगाए जा सकते हैं या खूब सारे स्टोरेज यूनिट लगाए जा सकते हैं। तो ये सब तभी होगा जब ये स्टैंडर्डाइज है। तो सर्वर को स्टैंडर्डाइज किया गया इस तरह से, 1U, 2U, 4U, U यहाँ पे यूनिट है। एक यूनिट की जो ऊंचाई है वो पहले से ही फिक्स की जा चुकी है, पूरी दुनिया इसको मान चुकी है। मतलब जैसे आपका यूएसबी का 5 वोल्ट का स्टैंडर्ड है, वैसे ही समझिए इसकी मान ली गई है। और आप मांग सकते हैं किसी भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर से कि देखो मेरे को 1U यूनिट में सिस्टम दो, या मान लीजिए आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप बोलोगे 2U में दो, या बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप बोल सकते हो 4U दो। और ये चौड़ाई जो है, ये तो मैं ऊंचाई बताया, बाकी गहराई और चौड़ाई दोनों पहले से फिक्स है। आप चाहे तो 19 इंच का ले सकते हैं या 24 इंच का ले सकते हैं, बीच का कुछ नहीं बनता है। तो स्टैंडर्डाइज करने से बहुत सारे मैन्युफैक्चर एक ही चीज़ के लिए सामान बना सकते हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चर जैसे आसूस हुआ, एएमडी हुआ, इंटेल हुआ, गीगाबाइट हुआ, ये सारे लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कंपोनेंट सिर्फ सर्वर के लिए। सर्वर आप खरीदिए या कंप्यूटर के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो कंप्यूटर में ऐसा किया गया कि मदरबोर्ड को स्टैंडर्डाइज 1995 के आसपास ATX स्टैंडर्ड इंटेल ने लॉन्च किया, ये स्टैंडर्ड जो आप सब लोग जानते हैं। तो ये स्टैंडर्ड के बहुत सारे साइजेस हैं, लेकिन स्टैंडर्ड होने का मतलब ये है कि इसके छेद जो है, जो जहाँ जहाँ पे स्क्रू लगाया जाता है वो सेम है, चाहे इंटेल हो चाहे एएमडी हो, मदरबोर्ड के छेद एक ही जगह पे होंगे। तो इसका ये मतलब है अगर आप एक कैबिनेट लेते हैं जो इसको फिट कर सकता है उसमें ये सारे लगेंगे। अगर आप ये लेते हैं कैबिनेट, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट इस साइज़ के होते हैं, माइक्रो ATX जिसको कहा जाता है, और माइक्रो ATX में मतलब आपका जनरली एक आम आदमी का काम आराम से हो जाता है। तो क्या आप उसमें मिनी ATX लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, आप इसको इसमें लगा सकते हैं, इसको इसमें लगा सकते हैं, आप इस तरफ आराम से आ सकते हैं। इधर से वैसे नहीं जा सकते लेकिन आप इस तरफ से आराम से आ सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज होने का फ़ायदा बहुत हुआ, पूरी इंडस्ट्री आगे बढ़ने लगी कंप्यूटर का, क्योंकि
बिल गेट्स ने एक डील किया था आईबीएम के साथ, जब उन्होंने डॉस खरीद के, डॉस उन्होंने एक बंदे से खरीदा $50,000 में, जो कि बहुत बड़ी रकम थी, इज्जत से लीगली खरीदा इज्जत से, और उन्होंने आईबीएम को बेचने का बात किया। और आईबीएम को बेचने टाइम उन्होंने कहा कि मैं इसे दोबारा भी बेच सकता हूँ, मतलब मैं किसी थर्ड पार्टी को बेच सकता हूँ, लाइसेंस आपका एक्सक्लूसिव नहीं होगा। आईबीएम उस टाइम वो सोचा कि कंप्यूटर कौन बनाएगा आईबीएम के सिवा, तो उतना सीरियसली लिए नहीं, उन्होंने दे दिया। लेकिन आज आईबीएम का नाम लगभग लोग भूल चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी कंपनी बन गई और बिल गेट्स तो सबसे धनी आदमी। ये सिर्फ इस डील के चलते हुआ। तो कोई भी बना सकता था, कोई भी मदरबोर्ड बना सकता था, कोई भी अपना कंप्यूटर बना सकता था। सॉफ्टवेयर तो बिल गेट्स ने संभाल लिया, तो हार्डवेयर भी का भी स्टैंडर्डाइज होने के बाद बहुत लोग इसको बना सकते थे। तो ये फॉर्म फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि ठीक है आपने डिसाइड कर लिया क्या रहना, मटेरियल के बारे में बात करते हैं। खास करके होम कंप्यूटर में काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन की चीज़ आते हैं। तो मटेरियल में आप ये समझिए, या तो वो डिज़ाइन स्पेसिफिक होगा या तो वो इंड्योरेंस स्पेसिफिक होगा। इंड्योरेंस का मतलब आप जैसे कितने साल टिकेगा। जैसे कई लोग आपको सस्ते स्टील के कैबिनेट बेच सकते हैं जो काफ़ी सस्ता में देगा, या काफ़ी एकदम अच्छा से पेंट किया हो, लेकिन प्रॉब्लम है कि कुछ साल बाद तो उसका पेंट उखड़ेगा, जंग लगेगा और वो टिकेगा नहीं। और आपको कोई स्टेनलेस स्टील का मान लीजिए बेचता है, वो महंगा पड़ेगा लेकिन टिकेगा, 10 साल टिकेगा, 20 साल टिकेगा। ये इकलौता चीज़ है कंप्यूटर का जो कई साल तक चल सकता है। आराम से लोग के पास आप जा सकते हैं जिनके पास 10 साल से कैबिनेट चल रहा है, 15 साल से कैबिनेट चल रहा है। लोग खरीदते थे जिन्होंने बहुत महंगे कैबिनेट लिए शुरू शुरू में, उनके अभी भी चल रहे हैं। मेरा कैबिनेट को आज 5 साल होने वाला है और इसमें मैंने लगभग कहीं 3 कंप्यूटर मैं बना चुका हूँ इसके अंदर। तो आने वाले टाइम में भी मैं इसमें बदलता ही जाऊँगा और कम ही चांस है कि मैं इसको पूरा छोड़ूंगा। तो इस कारण से आप ये समझिए, डिज़ाइन और इंड्योरेंस के बीच में आपको चुनना पड़ेगा। क्या आप ज़्यादा दिखावटी लेना चाहते हैं इस तरह का, या काम का जो इस तरह का हो, ये आपको चुनना है। आपका मान लीजिए आपका मन है, आपके पास बहुत पैसा है और आप दिखाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के, आपको अच्छा लगता है कंप्यूटर देख के, इस तरह के लीजिए। लेकिन याद रखिए ये इतना नहीं चलेगा। फिर आते हैं लुक और फंक्शनैलिटी। तो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो बाहर से खूब सुंदर रहते हैं, अंदर में लेकिन इतना कम चीज़ रहता है उसके अंदर। मतलब बहुत सारे हार्ड ड्राइव नहीं लगा सकते, बहुत सारे ऑप्टिकल ड्राइव नहीं लगा सकते। और आपको ऑप्टिकल कौन यूज़ करता है ब्लूरे के सिवा, तो नेटफ्लिक्स में भी ब्लूरे जितना क्वालिटी नहीं आता है। तो और खास करके ऑडियो में तो बहुत क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो आप चाहोगे कि ब्लूरे देखना चाहें लेकिन पता चला कि कंप्यूटर में लगता ही नहीं है वो। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप दिखावटी चाहते हैं कि फंक्शनल चाहते हैं, और आपको अपने बारे में समझना है। मैंने बोला सबसे खास बात यह है कि क्या आप समझ सकते हैं, आज का मार्केट इतना बड़ा हो चुका है, हर को हर चीज़ मिल जाएगा। तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, बैलेंस करना आपको है। तो भविष्य में हम लोग क्या देखेंगे, आज की दुनिया इतनी आगे आ गई है, स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। स्टैंडर्डाइज होने का फ़ायदा ये होता है कि लोग उसमें तिगड़म लगा सकते हैं और तब भी चीज़ काम करेगा। तो स्टैंडर्ड आपको, जैसे मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट डिज़ाइन कंप्यूटर है जो अभी तक मैंने देखा है। ये समझिए एक यूपीएस के साइज़ का, जो नॉर्मल इंटेक्स की यूपीएस आती है या एपीसी की होती है, लगभग उसी साइज़ में ये पूरा कंप्यूटर दे रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ता या बहुत बेसिक कंप्यूटर दे रहा है, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं है, ये फुल फ्लेज्ड गेमिंग कंप्यूटर है। मतलब आप इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत पावरफुल नहीं है लेकिन आराम से 80 से 90% लोगों का काम निपटा सकता है। तो इसको बनाने का इनका नज़रिया था कि ये लोग छोटे कंप्यूटर बनाना चाहते थे, लैन में ले जा सकें। लैन पार्टी होती थी कि इंटरनेट कहीं भी किसी का कम पिंग का होता नहीं है। सबसे बढ़िया ये रहता कि 10-20 लोग को लाइए, एक जगह पे लैन से जोड़ दीजिए और आराम से अपना गेमिंग पार्टी कीजिए। तो कंप्यूटर छोटा होना ज़रूरी है कि लैपटॉप में भी आप कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर बहुत महंगा पड़ता है। तो इस तरह के कंप्यूटर वहाँ पे बहुत काम आते हैं लैन पार्टीज़ में ले जाने के लिए। तो एक इन्होंने कस्टम बनाया। तिगड़म इन्होंने क्या लगाया कि सबची मदरबोर्ड वही ATX यूज़ किया, मिनी ATX यूज़ किया। पावर सप्लाई इन्होंने सर्वर का उठा लिया क्योंकि सर्वर के पावर सप्लाई छोटे आते हैं। तो ये सबका तिगड़म लगा के देखिए, सर्वर और डेस्कटॉप को इन्होंने जोड़ दिया। और जनरली मदरबोर्ड ऐसा बनाया जाता है कि मदरबोर्ड आप हो उसमें आप ग्राफिक्स कार्ड ऐसे लगाएं। इन्होंने क्या बोला कि ऐसे एक राइजर लगा दिया, मतलब एक बिजली का कनेक्शन एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंशन कोड लगा के फिर इसके ऊपर लगा दिया। तो ये इस तरह से इन्होंने यू बना लिया, तभी ग्राफिक्स कार्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है। जनरली ग्राफिक्स कार्ड ऐसे नीचे होता है, पंखे नीचे होते हैं उसके। तो यही तिगड़म लगा के आजकल नए नए सिस्टम आपको मिल जाएंगे मार्केट में, और सबका कुछ फ़ायदा होता है। जनरली ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आपका सबसे छोटा केस बन सके। और
सर्वर की दुनिया में अभी ऐसा हलचल आ गया है, खासकर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते, न्यूरल नेटवर्क्स के चलते, कि अब प्रोसेसर बहुत भारी आने लगे हैं। मतलब पहले के प्रोसेसर कुछ करके 30-40 वाट खाते थे, अब आज के प्रोसेसर 500 वाट तक अकेले एक प्रोसेसर खा सकते हैं। और आप एक यू में रखना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर, ताकि आपके जगह कम लगे, तो आप डाल तो देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिजली का भी सिस्टम कर दें, लेकिन उसको ठंडा कैसे रखिएगा। तो सर्वर की दुनिया में अभी ऐसा बात बन रहा है कि कैसे ऑयल में डुबाना पॉसिबल है, तेल में डुबाना, पानी में डुबा सकते हैं आप कंप्यूटर, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पानी 100% प्योर होना चाहिए। थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी लगा अगर उसमें तो वो शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि डिस्टिल वाटर ये कंडक्टर नहीं होता, लेकिन थोड़ी सा नमक रहे, थोड़ा सा हवा से कुछ भी पड़ा, वो सीधे शॉर्ट कर देगा। तो इसलिए तेल में डुबाना सेफ रहता है। आपके ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो भी तेल में ही डूबे रहते हैं हमेशा। तो समझ लीजिए, तेल को बिजली से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही करके एक मेंथनॉल है जो तेल का ही, समझिए चचेरा भाई टाइप है, उसमें डुबा के कुछ लोग कंप्यूटर ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेल में सब चीज़ बहुत अच्छा है, बस एक नुकसान है कि आपको मान लीजिए वो कंप्यूटर वापस निकालना पड़ेगा तो बहुत झंझट है। लेकिन आने वाले टाइम में कि वो झंझट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी से अगर ठंडा करते हैं सब चीज़ बहुत बढ़िया, लेकिन ये इससे ज़्यादा महंगा हो जाता है, वो भी हो गया। और प्लस पानी सिर्फ वही चीज़ को ठंडा करेगा जहाँ पे उसका ब्लॉक है। मतलब मैंने कूलिंग वाले एपिसोड में बताया था कि प्रोसेसर के ऊपर आप एक यूनिट लगाते हैं, इसे ब्लॉक कहते हैं, उसमें पानी घूम रहा है, पानी ठंडा कर दे रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ का क्या होगा? इसमें ये फ़ायदा होता है अगर आप डुबा देते हैं पूरा, कि सब चीज़ ठंडा रहे, आपका रैम ठंडा रह रहा है, आपका हार्ड ड्राइव ठंडा रह रहा है, आपका पावर सप्लाई ठंडा रह रहा है। तो ये आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, थोड़ी फजीयत है और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कंप्यूटर केस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए। और आप कमेंट लिखिए कि आप क्या देखना चाहेंगे मेरे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कंप्यूटर वेडनेसडे में। और मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे 1000 सब्सक्राइबर की बहुत सख्त ज़रूरत है। और घंटी बजाइए ताकि आपको पता चलता रहे मैं कौन कौन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।